नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ द हिंदू। सबसे पहले हम बात करते हैं आज की सबसे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आपको पता होगा सबसे पहले कि अडानी के जो शेयर्स हैं वो लगातार गिर रहे हैं बिकॉज ऑफ द हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसकी वजह से जो अडानी के जो शेयर हैं वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। और हिंडनबर्ग क्या है, ये एक US बेस्ड कंपनी है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर एक और न्यूज़ है फ्रंट पेज में, उसकी थोड़ी सी और बात करें करंट अफेयर में, तो ये है आपका कप्पन वॉक्स फ्री से द UAPA अ पॉलिटिकल टूल। तो ये कौन थे, तो ये बेसिकली एक जर्नलिस्ट थे। तो ये कौन थे, ये एक जर्नलिस्ट थे, ठीक है, जिनको हथरस केस में बेसिकली इनको अरेस्ट किया हुआ था अंडर द UAPA एक्ट, ठीक है। इनका नाम क्या था, इनका नाम था सिद्दीकी कप्पन। तो ये लखनऊ जेल से कल रिहा हुए हैं। तब यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करेंगे व्हाट इज़ UAPA एक्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है क्या। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, UAPA एक्ट, दैट इज़ दी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये जो एक्ट था ये 1967 में इसको इफेक्ट में लाया गया, ठीक है। और ये जो है ये क्या करता है कि अगर इंडिया में कोई भी क्या है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो रही है और वो कौन कर रहा है, अगर कोई इंडिविजुअल कर रहा है, कोई एसोसिएशन कर रहा है, और वैसे वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है क्या, तो वो जो अनलॉफुल एक्टिविटी है वो क्या है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी ऑफ इंडिया। यानी कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी एसोसिएशन इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी को क्या कर रही है, हैम्पर कर रही है, सो गवर्नमेंट कैन चार्ज दैट थिंग और दैट पर्सन और दैट एसोसिएशन अंडर दी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, दैट इज़ दी UAPA एक्ट। तो ये कब आया था, 1967 में, ठीक। दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की हाईएस्ट पनिशमेंट क्या है। सो हाईएस्ट पनिशमेंट जो है UAPA एक्ट की वो है क्या, डेथ पेनाल्टी और या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी हाईएस्ट पनिशमेंट क्या हो गया, डेथ पेनाल्टी हो गया। और जो UAPA एक्ट है वो इंडियन और फॉरेन नेशंस यानी कि दोनों पर लग सकता है, यानी कि इंडियन इंडियन सिटीजन्स और जो फॉरेनर्स हैं दोनों पर UAPA एक्ट लग सकता है। UAPA एक्ट के अंतर्गत जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, ठीक है, वो क्या चार्जशीट फाइल करेगी मैक्सिमम ऑफ द 180 डेज आफ्टर द अरेस्ट। यानी कि UAPA एक्ट में, मतलब UAPA एक्ट में क्या होगा, UAPA एक्ट में क्या होगा कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो क्या चार्जशीट फाइल करेगी आफ्टर द अरेस्ट ऑफ 180 डेज, यानी अरेस्ट होने के 180 डेज में। फिर उसके बाद 2004 में क्या किया गया था, एक टेररिस्ट एक्ट को इसमें ऐड किया गया था जिसमें 34 आउटफिट्स थे उनको क्या कर दिया गया था, उनको बैन कर दिया गया था, ठीक। उसके बाद अगर जो एक्ट है, इस एक्ट में 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, विच इज़ दी अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी अमेंडमेंट बिल 2019। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद इस एक्ट के अंतर्गत कोई अगर इंडिविजुअल है तो उसको एज ए टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। और इस अमेंडमेंट के बाद डायरेक्टर जनरल जो थे ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उनको मैक्सिमम पावर दी गई ताकि वो किसी भी एक इंडिविजुअल या एसोसिएशन की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको क्या कर सके, उनको सीज कर सके, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो रिगार्डिंग दी अनलॉफुल प्रिवेंशन ऑफ एक्टिविटीज एक्ट ऑफ 1967। दोस्तों दूसरी न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ प्रोएक्टिवली सपोर्टिंग दी एविएशन सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग दी स्टेबल पॉलिसी इन्वायरमेंट एंड इंसेंटिवाइजिंग दी कॉम्पिटिशन लेड ग्रोथ, ठीक है। तो हमारा जो एविएशन सेक्टर है तो उसकी ग्रोथ के लिए जो गवर्नमेंट है वो एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है और एक कंपटीशन लेड ग्रोथ को भी क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। और एक और चीज़ बतानी चाहिए कि जो इंडिया है उसने विटनेस किया है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 14.5 इन द डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक ड्यूरिंग दी 2014-15 टू 2019-20। यानी कि जो नंबर ऑफ द डोमेस्टिक पैसेंजर्स वो स्थिति क्या है, बढ़ रहे हैं, जो भी डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ड्यूरिंग दी करेंट फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2023-24 एंड एक्सपेक्टेड टू रीच अराउंड 97% ऑफ द प्री कोविड लेवल। यानी कि प्री कोविड लेवल से भी 97% ये अधिक जाने की क्या है, संभावना है। तो ये हमारा जो एविएशन सेक्टर वो क्या धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। एविएशन सेक्टर के बारे में थोड़ी सी अगर और बात की जाए तो यहाँ से हम कुछ और चीज़ों को समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा जो एविएशन सेक्टर है, ठीक
ठीक है। ये इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट है, तो ये आपको बताना चाहिए। और 3rd लार्जेस्ट है बाई, और बिकम द 3rd लार्जेस्ट बाई 2024, 2024 तक ये 3rd लार्जेस्ट बनने की कैपेसिटी रखता है, तो यहाँ से ये आपको पता रहना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारे चैलेंजेस हैं इन दी एविएशन मार्केट। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि एविएशन सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक अथॉरिटी, दैट इज़ दी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1994 में, ठीक है, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग दी फाइनेंशियल ऑपरेटिंग एंड द मेंटेनेंस ऑफ द ऑल गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स इन इंडिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद एयरक्राफ्ट एक्ट हमारे पास है, 1934 का एयरक्राफ्ट एक्ट है जो गवर्न करता है बाकी के सारे एयरपोर्ट को। अब हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं और जो एयर स्ट्रिप्स हैं टोटल हैं वो 464 हैं, और वो भी दो तरह के हैं। कई सारे एयरपोर्ट्स और एयर स्ट्रिप्स जो हैं वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं, और कई सारे जो हैं वो नॉन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं, जिनमें से 125 जो हैं वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं और 339 जो हैं वो नॉन एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं कि हमें अपने जो भी एविएशन सेक्टर्स में फोकस क्यों करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो एयरपोर्ट सेक्टर है यानी जो एविएशन सेक्टर है उसकी रोबस्ट डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और एक और चीज़ हमें पता होनी चाहिए, जैसे हम लोग बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की, ठीक है, तो हम लोग ने स्पेस टेक्नोलॉजी पे काफ़ी अच्छे से फोकस किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें डिफेंस में भी हमने काफ़ी अच्छे से फोकस किया, लेकिन अभी भी हम जो एविएशन सेक्टर है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ कोई भी इंडस्ट्री कोई खास ऐसा नहीं है जो जो भी जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करता हो, तो हमारे यहाँ पे क्या है एक रॉबस्ट डिमांड है, ठीक है। और राइजिंग वर्किंग ग्रुप वाइडन दी मिडिल क्लास डेमोग्राफी एक्सपेक्टेड टू बूस्ट डिमांड ऑफ द एयर ट्रेवल, जो भी मिडिल क्लास है आज भी मिडिल क्लास के लिए एयर प्लेन में बैठना इट इज़ लाइक अ ड्रीम, ठीक है। इवन दो जो गवर्नमेंट है वो कई सारे स्कीम्स लेके आई है जिसमें से उड़ान स्कीम है, दैट इज उड़े देश का आम नागरिक, फिर भी कई सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा जो एविएशन सेक्टर है उसमें क्या है ह्यूज पोटेंशियल है, डेवलप इंडिया एज द मेंटेनेंस रिपेयरस एंड द ऑपरेशनल हब, तो इंडिया को हम एज ए मेंटेनेंस रिपेयरेंस और दी ऑपरेशनल हब की तरह डेवलप कर सकते हैं। और उसके बाद हमें रीजनल कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट को भी क्या करना है प्रमोट करना है, ठीक है, जिससे क्या हो सके, जिससे क्या हो सके, जिससे जो टूरिज्म हो उसको भी क्या हो, उसको भी ग्रोथ मिले हमारे एविएशन सेक्टर के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं अगर इसके बारे में बात करी जाए, तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए ओवर 30 एयरपोर्ट्स हैव बीन डेवलप्ड प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेस अंदर द वेरियस रीजन्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 30 जो भी एयरपोर्ट हैं प्रोजेक्ट्स हैं उसको डेवलप किया गया है। और अभी आपको पता होगा जैसे अरुणाचल प्रदेश में एक एयरपोर्ट को डेवलप किया गया था, ठीक है, जहाँ पे मोदी जी गए थे उसको इनाग्रेशन करने। फिर उसके बाद हम लोग को ग्रेट फोकस करना है इंफ्रास्ट्रक्चर में। मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे कोई भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है रिगार्डिंग दी एविएशन सेक्टर या एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है। अब जैसे हम लोग अगर एयरक्राफ्ट भी खरीदते हैं तो फ्रांस से खरीद लेते हैं, जैसे हमने अभी राफेल खरीदा, ठीक है, मिराज खरीदा, तो ये सब कहाँ है, ये सारे फ्रांस के हैं। मिराज वैसे जो है वो बेसिकली राफेल का पुराना वर्जन है, आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में कोई बहुत अगर कोई बड़ी कंपनी है तो आपको पता होगा जैसे बोइंग है, ठीक है, तो बोइंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक बड़ी कंपनी है इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दी एयरप्लेन्स। और उसके बाद डसॉल्ट एविएशन, ठीक है, डसॉल्ट एविएशन ये एक फ्रांस की कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, और इसी ने राफेल की मैन्युफैक्चरिंग की थी डसॉल्ट एविएशन की। उसके बाद लिबरलाइजेशन और द ओपन स्काई पॉलिसी विद द ओपनिंग ऑफ द एयरपोर्ट सेक्टर टू द प्राइवेट पार्टनरशिप, 6 एयरपोर्ट अक्रॉस द मेजर सिटीज हैव बीन डेवलप्ड अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हम लोग एयरपोर्ट का डेवलपमेंट या फिर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी आई थी 2016 में, ठीक है, जो कि 22 एरिया को कवर करती है। अंडर द पॉलिसी द एयरलाइंस कैन बी कॉमर्स कैन कॉमर्स इंटरनेशनल ऑपरेशंस एंड विल हैव डेवलप्ड अ 20 एयरक्राफ्ट एंड 20% ऑफ द टोटल कैपेसिटी। कहने का मतलब है क्या कि वही बात कर रहे हैं कि हमें डोमेस्टिक ऑपरेशन या डोमेस्टिक कैपेसिटी को क्या करना है धीरे से बढ़ाना है। फिर उसके बाद हमें पता है जैसे मैंने बताया आपको रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम भी थी हमारी, जैसे उड़ान, दैट इज़ दी उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था, क्या इसको लॉन्च किया गया था 2000, ठीक है, अंडर दी
एक्सपेक्टेड टू एक्सेस द ट्रैवल इन 2016 इंडियाज टॉप सिक्स एयरपोर्ट हैंडल 66% ऑफ द इंडियाज डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट एयर ट्रैफिक। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और 100 टैक्स और ड्यूटी की बात की, 100% टैक्स एग्जम्पशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर। यानी कि हमें देखो, जितना भी हम टैक्स में एग्जम्पशन देंगे उतना ही जो हमारा जो भी FDI है या फिर FPI है, दैट इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो ये उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। FDI और FPI में डिफरेंस क्या है? FDI जो होता है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए अमाउंट आ रहा है तो दैट इज़ दी FDI, शॉर्ट टर्म के लिए अमाउंट आ रहा है दैट इज़ दी FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और उसके बाद जो पिछले साल का जो बजट था उसमें भी क्या है, सिविल एविएशन को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान दे गया था, और हमें इंक्रेज करना है किसका, किसको, FDI को, तो FDI को भी हमें इंक्रेज करना है। ठीक है, तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से पता होनी चाहिए रिगार्डिंग दी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दी एविएशन सेक्टर। उसके बाद आपको ये बताना है कि इंडिया इज़ ए ह्यूज एविएशन मार्केट विद लार्ज अनटैप्ड पोटेंशियल। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इवन हमारे जो डोमेस्टिक फ्लाई फ्लाइंग जो आवर्स है, ठीक है, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है अभी बेसिकली। ठीक है, देर इज़ अ नीड फॉर द कंटिन्यूस सपोर्ट टू द सेक्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट थ्रू द अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशंस। ठीक है, बेनिफिट करेगा डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड एनहेंस करेगा ग्लोबल फुटप्रिंट एंड इंडियाज एविएशन सेक्टर बोथ द पैसेंजर्स एंड द फ्री ट्रैफिक। यानी कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो पैसेंजर्स और फ्री ट्रैफिक को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, और उसके बाद जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो ज़्यादा बढ़ पाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में। ठीक है, सो जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है उन्होंने इंटरेस्ट किया हुआ है इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर के बारे में। आपको पता है कई सारी रिवर की इंटरलिंकिंग की जा रही है, एंड दिस इज दिस वी आर डन डूइंग इन अंडर द नेशनल परस्पेक्टिव प्लान। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कर रही है अंडर द नेशनल परस्पेक्टिव प्लान। ठीक है, और नेशनल परस्पेक्टिव प्लान के दो कंपोनेंट हैं, पहला है आपका हिमालयन रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट और दूसरा है आपका पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट। आपको पता है नदियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक जो हिमालय से बह के आ रही हैं और एक जो बेसिकली पेनिनसुलर रिवर हैं। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं, 30 लिंक्स प्रोजेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर द नेशनल परस्पेक्टिव प्लान, तो यहाँ से आपको ये पता रहना चाहिए। दूसरी चीज़, जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है ये क्या है, फर्स्ट लिंक प्रोजेक्ट है अंडर द नेशनल परस्पेक्टिव प्लान फॉर दी इम्प्लीमेंटेशन, और जिसके जिसके लिए 1100 करोड़ रुपए का करेंट फाइनेंशियल ईयर में एलोकेशन भी किया गया है, तो ये भी आपको यहाँ से पता रहना चाहिए। दूसरा, अगर मैं बात करूँ जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, जो फर्स्ट इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड कॉपरेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ठीक, उसके बाद द प्रोजेक्ट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंटर एंड बोथ स्टेट जॉइंटली थ्रू द स्पेशल पर्पस व्हीकल केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी विद मेजर फंडिंग कम्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ से ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर केन बेतवा लिंक के बारे में थोड़ी सी और बात करें तो आपको एक चीज़ यहाँ पर पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ से आपको एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि जैसे मैंने उस दिन बताया था कि जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से एक ये रिवर आ गई, ठीक है, और ये एक ये रिवर आ गई। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे एक तो ये डैम पता रहना चाहिए, इसका नाम क्या बताया था मैंने, दाऊधान डैम। उसके बाद जो ये रिवर है ये किस नेशनल पार्क्स या टाइगर रिवर रिजर्व से होकर जा रही है, तो ये जो रिवर है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर जा रही है, तो यहाँ से ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये है आपकी केन रिवर, ठीक है, ये वाली जो है वो केन रिवर है और ये बेतवा रिवर है, और यहाँ पर ये क्या है, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो केन रिवर है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर जा रही है, जो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट रिपोर्ट है वाटर विजन 2047। आपको पता है कि 2047 में हम अपने देश की आज़ादी के 100 साल कंप्लीट कर लेंगे, अभी हमारा अमृतकाल चल रहा है। ठीक है, तो विजन एट 2047 में सजेशन दिया है कि हम जो भी वाटर
सिक्योरिटी की जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। पहले लिखा हुआ है वाटर जो है वो वाटर इज़ इंट्रेंसिक नॉट ओनली टू द लाइफ बट ऑल्सो टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि जो वाटर है वो सिर्फ हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या है कि जो स्टेट मिनिस्ट्री जो कॉन्फ्रेंसेज हैं उन्होंने एक थीम दिया, दैट इज़ द वाटर विजन और एट 2047। ठीक है, जो कि 5 और 6 जनवरी के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था भोपाल में, विच इज़ इन MP। फिर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज़ टू डेलीबरेट ऑन द वाटर विजन विद द स्टेट 33 स्टेट्स एंड द यूनियन टेरेटरी पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस इंक्लूडिंग दी मिनिस्टर्स फ्रॉम द 25 स्टेट्स। ठीक है, तो ये इसकी यहाँ पर बात की गई कि कैसे हम अब चीज़ों को सही कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्शन प्लान एंड द की रिकमेंडेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन द वाटर विजन 2047। तो ये पहली कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, पहला लिखा हुआ है कि नीड फॉर द मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड वाटर विजन इंक्लूडिंग दी अडाप्टेशन मिटिगेशन एंड द स्ट्रेटजिक टाइमलाइन एड्रेसिंग ऑफ बोथ द डिमांड एंड सप्लाई साइड नीड। तो हमें क्या करना है, हमें जो भी डिमांड और सप्लाई साइड नीड है दोनों को यहाँ पर देखना है, और हमें एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बनानी है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस और जो भी डाउट क्लियरिंग है उसके रिगार्डिंग। फिर दूसरी चीज़ क्या बताई गई है, मिनिमाइज़ करना है लॉस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को कम से कम खर्च करें, और वाटर कन्वेनियंस सिस्टम को बनाना है ताकि जो पानी है वो आसानी से स्ट्रीम लाइन प्रोसेस में एक जगह से दूसरी जगह जा सके। और हमें क्या बिल्ड करना है, हमें बिल्ड करना है पाइप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को। ठीक है, तो हमें पाइप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बनाना है और उसके साथ साथ वाटर कन्वेनियंस सिस्टम को भी बनाना है। फिर उसके बाद बात करते हैं माइक्रो इरीगेशन को हमें प्रमोट करना है। माइक्रो इरीगेशन क्या होता है, जैसे माइक्रो इरीगेशन हो गया, ड्रिप इरीगेशन हो गया, स्प्रिंकल इरीगेशन हो गया, तो इस तरह के इरीगेशन मेथड्स को हमें क्या करना है, प्रमोट करना है। और ये क्या करेगा, ये एक्सेलरेट मैनर में हमको प्रमोट करना है। ठीक है, और एस्टिमेटेड पोटेंशियल ऑफ अबाउट 70 मिलियन हेक्टेयर्स फुली। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसमें जो पोटेंशियल है वो कितना है, 70 मिलियन हेक्टेयर्स फुली अगर इसको हम ऑपरेशनलाइज करेंगे। उसके बाद द फोर्थ क्या बताया गया कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है किसमें, इरीगेशन में, और प्रमोट करना है ऑप्टिमाइज यूज़ ऑफ द वाटर वन हैंड एंड इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑन दी अदर हैंड। यानी कि हमें जो भी टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करना है जिसे जो भी वाटर है उसको हम ऑप्टिमाइज़ कर सकें। ठीक है, और उसके बाद हम जब वाटर को ऑप्टिमाइज़ कर सकेंगे तब हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। और उसके बाद हमें पांचवा बताया गया कि हमें जो पीपल का, जो लोगों का जो पार्टिसिपेशन है यानी कि जन भागीदारी, इसको हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है, क्योंकि गवर्नमेंट सारा कुछ काम नहीं कर सकती, लोग भी अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तभी हम वाटर सिक्योरिटी का जो चैलेंज है उसको फेस कर पाएंगे। और हमें बनाना पड़ेगा वाटर यूज़ एसोसिएशन, यानी कि हमें वाटर यूज़र एसोसिएशन बनाना पड़ेगा कोई भी एक कॉमन एरिया में। तो ये क्या हो जाएगा, जिसकी इफेक्टिव फंक्शनिंग होगी, और उसको लिंक करना पड़ेगा फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, और ये रिड्यूस करेगा क्या, IPC और IPU गैप एस्टिमेटेड टू अबाउट 20%। यानी कि हमें क्या करना है, हमें कॉमन एरिया पे वाटर यूज़र एसोसिएशन बनानी है और उन वाटर यूज़र एसोसिएशन को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ FPO के साथ लिंक करना है। ठीक है, और विलेज वाटर और जो सैनिटेशन है कम्युनिटी का, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको मेंटेन करना है रूरल ड्रिंकिंग वाटर की जो स्कीम से। फिर हम बात करते हैं थर्ड 6 पॉइंट क्या है, सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनानी है किसके लिए, स्टेट लेवल के ग्राउंड वाटर एज वेल एज द सरफेस वाटर मैनेजमेंट के लिए, इंक्लूडिंग द वाटर प्राइसिंग एंड रीयूज वाटर टू रेगुलेट द वाटर सेक्टर होलिस्टिक मैनर। यानी कि हमें क्या करना है, हमें वाटर रेगुलेटरी बॉडी बनानी है स्टेट लेवल पे, इसके लिए ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर के मैनेजमेंट के लिए, ताकि हम वाटर को रीयूज़ कर सकें और होलिस्टिक उसका क्या कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें। द 7th वन इज़ दी हेल्थ मैपिंग ऑफ द हेल्थ ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज मीजर्स द रिस्टोर हेल्थ डिग्रेडेड सोर्स। ठीक है, थ्रू द कन्वीनियंस ऑफ द रिसोर्सेज नीड टू बी अंडर टेकन। यानी कि हमें क्या करना है कि जो भी हमें हेल्थ मैपिंग ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर को करना है, ठीक है, और उसके बाद जो भी हमारे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उसको क्या कर सकें, रिजॉल्व कर सकें। उसके बाद हमें जियो सेंसिंग और जियो मैपिंग का भी यूज़ करना है, रिमोट सेंसिंग, 3D मॉडलिंग का भी यूज़ करना है फॉर द बेटर असेसमेंट एंड द प्लानिंग ऑफ द वाटर रिसोर्स।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नवा क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी इन द वाटर सेक्टर टू बी प्रमोटेड बाय ट्रीटिंग ऑल द वेस्ट वाटर जनरेटेड इन द अर्बन एरिया री यूजिंग सच द ट्रीटेड वाटर। यानी कि हमें सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना है। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है कि हम किसी भी चीज़ को वेस्ट ना करें, ठीक है, एक जुडिशियल मैनर में हर एक चीज़ का हम क्या करते रहें, यूज़ करते रहें। फिर उसके बाद वाटर बजटिंग पर भी ध्यान देना है, ठीक है, और उसके मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना है, बोथ द सप्लाई और द डिमांड साइड में, एट द ग्राम पंचायत एंड द विलेज लेवल और द टाउन सिटी लेवल और द यूनिवर्सिटी लेवल। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, जैसे उन्होंने बताया क्या कि पीपल पार्टिसिपेशन, दैट इज़ द जन भागीदारी, इसको हमें क्या करना है, इसको प्रमोट करना है। तो ये कई सारे जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, तो उसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर बात किया जाए तो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हांस करना पड़ेगा, जो कि ज़रूरी है। इफेक्टिव मैनेजमेंट करना पड़ेगा सेडिमेंटेशन के लिए, रिजर्वायर के लिए, और उसके बाद रिवर्स के लिए, और जो भी अदर वाटर बॉडीज़ हैं उनका इफेक्टिव मैनेजमेंट करना पड़ेगा। पोर्टेबल वाटर फॉर द ड्रिंकिंग शुड हैव द प्रायोरिटी ओवर ऑल द यूजर्स ऑफ द वाटर। यानी कि जो पीने का पानी पोर्टेबल वाटर है, सबसे ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस होती है, तो हमें उसका भी अच्छे से क्या करना है, ध्यान रखना है। और एरिया और द रीजन वल्नरेबल टू द शॉर्टेज ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी मैप्ड एंड कनेक्टेड टू द वाटर ग्रिड सुटेबली। यानी कि जो भी एरिया ऐसे हैं जहाँ पर जो पीने के पानी की प्रॉब्लम्स है, तो उसको हमें क्या करना है, उसे हमें ग्रिड से भी क्या करना है, कनेक्ट करना है। द 14 नंबर इज़ द इंटर बेसिन ट्रांसफ़र ऑफ द वाटर, ठीक, फ्रॉम द फ्लड प्रोन एरिया शुड बी इंक्रीज। यानी कि कोई भी ऐसे एरिया जहाँ पर पानी ज़्यादा है, फ्लड आने की संभावना है, वहाँ से हमें पानी को क्या करना है, मूव भी करना है। जो भी इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, वो कहीं ना कहीं इसी लाइन पर या इसी बेस पर बनाया गया है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल यूजेस 80-90% ऑफ द वाटर, देयर फॉर द अप्रोप्रिएट क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप वेराइटी और इफेक्टिव वाटर यूटिलाइजेशन में भी प्रमोटेड विद द होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर है वो क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर में जैसे आप राइस ग्रो करते हो, वीट ग्रो करते हो, तो ये क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को क्या करते हैं, सक करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक सस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न को अडॉप्ट करना है। जैसे आजकल हमें पता है कि 2023 है, उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहा हुआ है यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, हम लोग मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं और आसानी से उसको ग्रो किया जा सकता है, कम पानी में ग्रो किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम डैट, उसके ग्रो करने में ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, हर मौसम में, हर फसल में, हर तरह की सॉइल में वो ग्रो कर जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि मिलेट को क्या करना है, प्रमोट करना है। यानी कि जो सस्टेनेबल क्रॉप मैनेजमेंट है उसको हमें प्रमोट करना है, ठीक है। फिर इंडस्ट्रीज में भी इनक्रेज टू बिकम द वाटर इफिशियंट एंड अडॉप्ट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट इज दी रिवर हेल्थ नीड टू बी मैनेज्ड होलिस्टिकली विद द हेल्प ऑफ द कैचमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग वेटलैंड, ठीक। अप्रोप्रिएट ई फ्लो शुड बी प्रोवाइडेड। फिर 19 बात करते हैं, रोबस्टनेस ऑफ द इरीगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में बी इंश्योर्ड बाई एलोकेटिंग द एडुकेट रिसोर्सेज, ऑपरेशनल एंड द मेंटेनेंस। फिर इसके बाद सेफ्टी इंस्पेक्शन, उसको भी ध्यान रखना है, ऑफ द डैम्स एंड दियर प्रॉपर अपटेकर टू इंश्योर दी मैंडेटेड। यानी कि जो डैम्स हैं उनकी सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपको पता है जो डैम्स होते हैं या कोई भी बिल्डिंग होती है, उसकी एक लाइफ स्पैन होता है, उसके आगे उसको स्ट्रेच ना किया जाए। फिर इसके बाद इनिशिएटिव सच एज द जल शक्ति अभियान एज वेल द इनिशिएटिव टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट मे बी इमीडिएट इन दी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर फॉर दियर टाइमली एग्जीक्यूशन इन द सस्टेनेबल मैनर। फिर बात करते हैं, फ्लड प्लेन जोनिंग में टेकन अप इन दी ऑल द वल्नरेबल एरिया फॉर टेकिंग दी अप्रोप्रिएट मिटिगेशन अर्ली वार्निंग फॉर दी रेगुलेटरी मेजर्स। सो दिस इज वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट इट। सो दिस इज अबाउट दी वाटर कंजर्वेशन प्लान विजन 2047। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज टारगेट अंडर द जल जीवन मिशन, ठीक है। सो जल जीवन मिशन के अंदर का टारगेट क्या है, तो ये पता होना चाहिए हमें कि जो जल जीवन मिशन है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है, और जो टारगेट है कि हमारा कि 2024 तक हम देश के सारे घरों में टैप वाटर की सप्लाई पहुंचा दें और इवन द रूरल हाउस होल्ड। तो ये आपको यहाँ से पता रहना चाहिए। एंड जो भी जल जीवन मिशन है वो ये टारगेट करता है कि जो भी सर्विस है, कनेक्शंस की सर्विस है, उसमें क्या करेंगे, 55 लीटर पर
कैपिटा पर पर्सन को आदमी को एक दिन में पानी प्रोवाइड किया जाएगा। कई सारे स्टेट्स में जैसे गुजरात हो गया, तेलंगाना, हरियाणा, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, दादरानगर हवेली, दमन दीव, यहाँ पर 100% कवरेज हो गया है, बाकी और जगह में कवरेज चल रहा है।